शिबा इनू कॉइन वर्ल्ड की वन ऑफ द फेमस क्रिप्टो करेंसी में से एक है और इसने इन्वेस्टर्स को ह्यूज प्रॉफिट भी बनाकर दिया है। लास्ट वीक शिबा इनू कॉइन को लेकर बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की गई है, जिसमें कहा गया है शिबा इनू कॉइन की वैल्यू फ्यूचर में लूना कॉइन की तरह ही जीरो हो सकती है। इस प्रेडिक्शन के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। Finder.com के एक एक्सपर्ट पैनल ने शिबा इनू कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिबा इनू कॉइन का प्राइस जीरो हो सकता है फ्यूचर में। पैनल के 73% मेंबर्स का मानना है कि ये हो सकता है और उन्होंने कहा है कि यहाँ से शिबा इनू कॉइन को सेल किया जा सकता है। Finder.com एक प्राइस कंपेरिजन पोर्टल है जिनके पैनल ने ये प्रेडिक्शन की है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में चल रही है, ऐसे में शिबा इनू कॉइन के लिए ये बहुत ही बैड न्यूज निकल कर आई है, जो इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा टेंशन में डाल रही है। इस रिसर्च का बेसिकली मोटिव ये था कि नेक्स्ट डेकेड में इनकी शिबा इनू कॉइन की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और रिसर्च इनसाइड निकल कर आई है शिबा इनू कॉइन के लिए आने वाला टाइम अच्छा नहीं होने वाला है। इसके अलावा Finder.com ने लास्ट वीक शिबा इनू के प्राइस प्रेडिक्शन को भी अपडेट किया है और उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि इस ईयर के एंड तक शिबा के प्राइस में 7.6% तक का फॉल आ सकता है, जो है $0.00001875 के अराउंड। एंड 2025 तक शिबा इनू के प्राइस $0.502500 के राउंड तक पहुंच सकता है। और 70% पैनलिस्ट ने माना है कि शिबा इनू की वैल्यू 2030 तक जीरो हो जाएगी। जीरो का मतलब है इससे भी ज्यादा नीचे चली जाएगी। पैनलिस्ट का यह भी कहना है कि क्रिप्टो मार्केट के मैच्योर होने पर शिबा और अदर मीम कॉइन मार्केट में से पूरी तरह गायब हो जाएंगे, क्योंकि मीम कॉइन्स का बेसिकली कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है। इस वजह से फ्यूचर में इनकी कोई खास वैल्यू नहीं रह जाएगी और हमें रियल इनोवेटिव क्रिप्टोस देखने को मिलेगी। 73% पैनलिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और शिबा इनू को अपने पोर्टफोलियो में से रिमूव करने का सजेशन दिया है। 23% का कहना है कि शिबा इनू कॉइन को होल्ड किया जा सकता है और बस 3% पैनलिस्ट का मानना है कि शिबा इनू कॉइन को बाई किया जा सकता है इन लेवल से। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि शिबा इनू के प्राइस पर मीम कॉइन हाइप का ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा और इसके प्राइस को शिबा स्वैप और शिबा कॉइन की बर्निंग ही इफेक्ट कर सकती है। ये सब इनसाइड निकल कर आई है Finder.com के पैनलिस्ट से। अगर हम आज के सिनेरियो को देखें तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने को लेकर डिसीजन ले रही है। कई कंट्रीज ने क्रिप्टो टैक्स भी लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारी कंट्री इंडिया भी है। वैसे भी लूना क्रैश का मार्केट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, जिससे ये तो पता चलता है क्रिप्टो स्पेस में अभी भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होना बाकी है, जिसमें अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। लूना फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिसके साथ ऐसा हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ ऐसा हो चुका है और फ्यूचर में भी हमें ये सब देखने को मिलेगा। इससे बचने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी का यूज़ करना चाहिए। इसको लेकर हमने वीडियो बनाई है, जिसे आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। मीम कॉइन भी इनमें से एक है, लाइक मोस्ट ऑफ मीम कॉइन का कोई रियल यूज़ नहीं है। इस वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज़्यादा टाइम मीम कॉइन को होल्ड करके नहीं रखते हैं। एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने पर 80% से 90% तक का फॉल इजिली आ जाता है। आप डोजकॉइन और शिबा कॉइन के प्राइस को देख सकते हो। यही वजह है जब मार्केट मैच्योर हो जाएगी तब शायद मीम कॉइन के लिए इसमें कोई जगह ना हो। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए अगर आपने मीम कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। बिटकॉइन में रिकवरी आने पर आपको मीम कॉइन्स में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। वही बेस्ट टाइम होगा मीम कॉइन्स में से निकलने का और वैल्यूएबल एंड अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का, लाइक इथेरियम एंड कार्डानो। आपको कोई भी फ्रेश बाइंग इस टाइम मीम कॉइन्स में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इनका कोई रियल यूज़ नहीं है। तो इन्वेस्टर्स एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर जंप कर जाते हैं। इस वजह से मोस्ट ऑफ मीम कॉइन्स में हमें प्राइस रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड लास्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।